हॉर्टिकल्चर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर के हॉर्टिकल्चर के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। मैं जम्मू कश्मीर का जो हॉर्टिकल्चर है उसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट आती हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हॉर्टिकल्चर होता क्या है। फ्रूट की कल्टीवेशन, वेजिटेबल्स की कल्टीवेशन और फ्लावर की कल्टीवेशन, इन सब को मिला के एक वर्ड जो बनता है, इस सब को हम बोलते हैं हॉर्टिकल्चर। क्या बोलते हैं इसको? हॉर्टिकल्चर। अब देखिए, हॉर्टिकल्चर जो वर्ड है ये लेटिन वर्ड से ड्राइव किया गया है, जिसका अब सिंपली आप ये याद रखेंगे कि हॉर्टिकल्चर वर्ड जो है ये कौन सी लैंग्वेज से ट्रांसलेट किया गया, ये लेटिन लैंग्वेज से ट्रांसलेट यहाँ पे किया गया। लेटिन लैंग्वेज का वर्ड है यहाँ पे हॉर्टिकल्चर। अब जो गार्डन कल्चर है, ये फील्ड कल्चर है, ये मिडिवल टाइम से ही जम्मू कश्मीर में चलाया जा रहा है। हमारी जो जम्मू कश्मीर की यूटी है, इट इज़ नॉट जस्ट अ टूरिस्ट पैराडाइज, बट हम देखें अगर तो यहाँ पे बहुत सारे फ्रूट्स जो हैं, फ्रेश फ्रूट्स हो गए, ड्राई फ्रूट्स हो गए, फ्लावर्स हो गए, हनी हो गया, ये सारी चीज़ें भी जो हैं हमारे यहाँ पे जम्मू कश्मीर में मिलती हैं हमें। अब देखें, जब सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारे यहाँ पे आता है, जैसे आलमंड्स हो गए, हाँ, ब्लूम्स हो गए, सैफ्रन फील्ड्स हो गई, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें जो हैं कितनी इम्पॉर्टेंट यहाँ पे हमारे होती हैं। हॉर्टिकल्चर जो है यहाँ की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल एक स्ट्रेंथ है हमारे यूटी की, और एनुअली जो इसका टर्नओवर है वो 1200 करोड़ का टर्नओवर जो है वो एनुअली हमें यहाँ पे हॉर्टिकल्चर से जम्मू कश्मीर को मिलता है। कितना? 1200 करोड़। वहीं पर अगर हम देखें ये तो 23 लाख पीपल्स को जो है ये अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे देती है। 23% लोगों को यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जो है वो हॉर्टिकल्चर प्रोवाइड करता है। अब जे एंड के जो है इसको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर को एग्रो एक्सपर्ट जोन जो है, एग्रो एक्सपोर्ट जोन जो है वो किसके लिए? दो फ्रूट्स है जिसके लिए इसको एग्री एक्सपोर्ट जोन बोला गया है, वो हैं आपके दो हैं, वन इज एप्पल एंड वॉलनट। एक आ गया आपका एप्पल, एक एप्पल के लिए बोला गया है इसको, एंड देन सेकेंड है वॉलनट। एप्पल एंड वॉलनट जो है इन दोनों के लिए जम्मू कश्मीर को एग्री एक्सपोर्ट जोन बोला गया है। अब हमारा जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है ये कब बना? हमारा हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट जो जम्मू कश्मीर का, ये 1962 में बन के तैयार हो गया था। सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो सर जो हमारे सर वॉल्टर एच लॉरेंस एक आदमी का नाम है, एच लॉरेंस, फेमस बुक उन्होंने लिखी थी एक वैली ऑफ कश्मीर, 1895 में उन्होंने एक बुक लिखी थी वैली ऑफ कश्मीर, जिसमें उन्होंने मेंशन किया था कि कश्मीर क्या है, कश्मीर इज़ अ फ्रूट प्रोड्यूसिंग कंट्री। उन्होंने बोला था कश्मीर क्या है, एक फ्रूट प्रोड्यूसिंग कंट्री है, उस बुक में उन्होंने ये चीज़ बोली थी। अब मैं आपको आपके साथ थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीज़ें डिस्कस करूँगा, जैसे कौन से हमारे मेन फ्रूट्स हैं जम्मू कश्मीर में। सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारा फ्रूट आता है जम्मू कश्मीर का वो है एप्पल। एप्पल जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फ्रूट है हमारे जम्मू कश्मीर का। कश्मीरी एप्पल जो है इसके टेस्ट फ्लेवर के लिए पूरे इंडिया में जो है और इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है। इसके बाद मैं आपको बता दूं एप्पल के बारे में। एप्पल जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फ्रूट है जो हमारे जम्मू एंड कश्मीर का, पूरी वैली में लगभग इसको उगाया जाता है। लेकिन इम्पॉर्टेंट हम अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो शोपियाँ जो है, शोपियाँ के बाटा डिस्ट्रिक्ट आती है, देन बारामूला आपकी एक इम्पॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट आ जाती है, देन कुलगाम आपकी इम्पॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट आ जाती है, देन पुलवामा में भी आपके एप्पल्स आपको दिखेंगे, देन बुडगाम में भी आपको एप्पल्स दिखते हैं, देन अनंतनाग, श्रीनगर, कुपवारा एंड डोडा, इन सब डिस्ट्रिक्ट में जो है काफ़ी ज़्यादा तादाद में एप्पल उगाए जाते हैं। एप्पल को राइप कब होते हैं? एप्पल अक्टूबर के मंथ में राइप हो जाते हैं। जे एंड के जो एक लीडिंग प्रोड्यूसर है एप्पल की, मैक्सिमम मैं आप लोगों को बताऊँ तो 60% जो हमारी कंट्री का एप्पल है वो जम्मू कश्मीर से ही आता है। 60% इंडिया का एप्पल जो है वो हमारी स्टेट जम्मू कश्मीर से आता है। देन इम्पॉर्टेंट वेराइटीज़ की बात करें हम तो अंबरी जो है, AMBRA, अंबरी जो है, अगर आपको ये क्वेश्चन आ सकता है अंबरी कौन से फ्रूट की वरायटी है, तो ये एप्पल की है, ये इंडिजिनस है कश्मीर से, बहुत ही सुपीरियर है ये। देन 6 वेराइटीज़ जो है एप्पल की वो हमारे कश्मीर में अभी उगाई जाती हैं। देन जैसे अम्बेर एक वेराइटी है, अंबेर एक वेराइटी है इसकी। उसके बाद मैं आप लोगों को बता दूं अमेरिकन ट्रायल, ये भी एक एप्पल की वैरायटी, एक स्मॉल राउंडेड एप्पल होता है ये, स्वीट इसका
टेस्ट होता है जो अमेरिकन ट्रेल है। देन रेड डिलीशियस, रेड डिलीशियस भी एक एप्पल, रेड डिलीशियस जो एप्पल है हमारा ये बहुत ही पॉपुलर है और कल्टीवेट किया जाता है ये मिड सेप्टेम्बर में। देन महाराज ये एक इम्पॉर्टेंट है, ग्रीन कलर का होता है ये, बिट सोर इसका टेस्ट है, तो ये भी अवेलेबल आपको लेट अक्टूबर में जो है महाराज एप्पल ये भी दिख जाएगा। देन एक हजरतबल आता है एक एप्पल, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एप्पल वेराइटी है, ये जुलाई में आपको दिख जाएगा। देन गोल्डन डिलीशियस, गोल्डन डिलीशियस भी एप्पल की वेराइटी है एक, और ये जो गोल्डन डिलीशियस है, गोल्डन डिलीशियस ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एप्पल आपका माना जाता है हमारे होल जम्मू एंड कश्मीर में। देन कुछ और वेराइटीज़ हैं जैसे क्रिम्सन हो गया, बुल्गेरियन हो गया, M19 हो गया, ये सारे जो हैं ये एप्पल की वेराइटीज़ हैं। देन सेकेंड जो हमारा इंपॉर्टेंट फ्रूट आता है वो है हमारा वॉलनट, एप्पल के बाद वॉलनट जो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है जम्मू कश्मीर के लिए। वॉलनट जो है पूरी कंट्री में हमारे काफ़ी फेमस है, इसकी भी कुछ वेराइटीज़ हैं जैसे बुर्जिल, बुर्जिल एक इम्पॉर्टेंट वेराइटी है इसकी, उसके बाद कागजी एक इम्पॉर्टेंट वेराइटी है इसकी, देन वीनट एक इम्पॉर्टेंट है इसकी वेराइटी। देन इसके बाद जो हमारे नेक्स्ट फ्रूट आता है हमारा इम्पॉर्टेंट वो है हमारा आलमंड, आलमंड भी जो है ये भी काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट फ्रूट है हमारा जम्मू कश्मीर का। आलमंड को इसका काफ़ी सुपीरियर टेस्ट के लिए काफ़ी फेमस होता है। वॉलनट की तरह ही इसको भी हमने थिकनेस के हिसाब से ही वेराइटीज में डिवाइड किया, जैसे पेपरी, पेपरी एक इसकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे वॉलनट की कागजी थी ऐसे इसकी पेपरी है, थिन शील्डेड होता है ये। और उसके बाद कुछ और इनके अलावा जो हमारे फ्रूट्स जम्मू कश्मीर में उगाए जाते हैं, जैसे मैं आप लोगों को बता दूँ पीच, पीच भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे जम्मू कश्मीर का, देन एप्रिकॉट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देन स्ट्रॉबेरी, देन प्लम्स काफ़ी फेमस हैं, देन चेरी जो है फाइनली। तो ये कुछ हमारे हॉर्टिकल्चर के रिलेटेड टॉपिक था आज का, जिसमें हमने इम्पॉर्टेंट फ्रूट्स डिस्कस किए।